हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हमारा केमिस्ट्री क्लास 11th का जो लेक्चर चल रहा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग आज अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज जानेंगे एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। एटॉमिक मास यूनिट यानी कि शॉर्ट में इसको AMU या कभी कभी U यानी स्पेसिफाइड यूनिट मास भी कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे, जिसको लेकर के विद्यार्थियों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है। उनका ऐसा मानना है कि इसको किसी तरह से रट करके पार करो, समझना थोड़ा सा इसको कठिन है, कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा और आप आसानी से जान पाइएगा कि आखिर AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है और इसका यूज क्या है, इसका प्रयोग क्या है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। AMU और U भी कहा जाता है, इसका एक और नाम है, डाल्टन भी नाम है, लेकिन आगे मैं इसको बताऊंगा इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि इसका डिफिनेशन आपको बता दूं कि भाई एटॉमिक मास यूनिट AMU का डिफिनेशन क्या होता है। चलिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप 11th में रहे, 12th में रहे, दोनों जगह इसका यूज है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, हिंदी में भी बता देना चाहूंगा, परमाणु द्रव्यमान इकाई बोलते हैं इसको, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो इसका परिभाषा है कि एक कार्बन 12 एटम आप उठाइए, सबसे पहले एक क्या उठाइए, कार्बन 12 एटम यानी कि परमाणु उठाइए। कार्बन 12 मतलब कि एक ऐसा कार्बन जिसका मास यानी द्रव्यमान 12 हो, ठीक है भाई। तो एक कार्बन 12 परमाणु उठा लिए, अब इसका हम लोग द्रव्यमान निकाल दिए, यानी कि एक कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान निकाल कर उसका 1/12 हिस्सा जब निकाल देते हैं तो उसी को बोलते हैं एक AMU। इसका डिफिनेशन देखिए, दोनों समझ सकते हैं, हिंदी के विद्यार्थी भी समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानना जरूरी है क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। तो एक कार्बन 12 परमाणु ले लेंगे और उसका द्रव्यमान निकालेंगे, मास निकालेंगे, उसके बाद उसका 1/12 हिस्सा कर देंगे, जो मिलेगा उसी को बोलेंगे एक AMU। अब आप ये बोलिए कि आप बहुत दिन से AMU के बारे में बात कर रहे हैं, इसका क्या यूज है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही भयानक इंपॉर्टेंस है आपके केमिस्ट्री में। जब भी एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान का बात होगा, और स्टूडेंट को अगर इसका आइडिया नहीं है तो सीधा सीधे जानिए कि वह केवल रोट लर्निंग कर रहा है, मतलब कि उसको रटने का कोशिश कर रहा है। इसके बिना आप एटॉमिक मास समझ ही नहीं सकते कि आया कहां से, कैसे आया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस डिफिनेशन को समझ गए होंगे और इसको उतार भी लिए होंगे, नोट डाउन भी करते जाइएगा, जोट डाउन करते जाइएगा। अब समस्या है कि भाई ठीक है, इसका डिफिनेशन तो जान गए कि एक कार्बन 12 एटम परमाणु लेकर के उसका मास निकालेंगे और उसका 1/12 हिस्सा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा AMU। अब सवाल है कि ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके बताइए ना, इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहला जो समस्या आता है कि एक कार्बन 12 एटम का मास कैसे निकाला जाए। तो देखिए, आपने नाम सुना होगा अवोगाड्रो संख्या का, इंग्लिश में बोले तो एवोगाड्रोज नंबर। तो उसी का हेल्प लेकर के हम लोग भाई मास कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हम लोग जानते हैं, लिखेंगे सिंस 6.022 इंटू 10^23 एटम मोलिकुल्स या आयन कुछ भी रहे, तो यहाँ पे तो परमाणु लेना है, एटम लेना है, तो यहाँ लिखेंगे परमाणु यानी कि एटम, किसी का भी अगर हम लोग इतना एटम लेंगे तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो हमको यहाँ लेना है कार्बन, तो इतना अगर हम लोग कार्बन एटम लेते हैं तो उसका मास हो जाता है कितना, 12 ग्राम, ठीक है भाई, 12 ग्राम होता है। तो 12 ग्राम होता है, तो अब समस्या है कि अगर हम एक परमाणु यानी कि एक कार्बन एटम का अगर मास निकालें तो वो कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 12/6.022 इंटू 10^23 ग्राम। ये तो बड़ा आसान था, निकाल दिए एक कार्बन 12 एटम का द्रव्यमान मास कैसे निकाले, तो बस ऐसे निकाले, खत्म हो गया कहानी। यानी कि 12/6.022 इंटू 10^23 ग्राम आ गया, क्या आ गया, तो एक कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान आ गया। आप बोलिएगा कि अगर यहां पे दिया हुआ रहता नाइट्रोजन तो कैसे ज्ञात करते, तो 12 के जगह 14 रख देते, ऑक्सीजन रहता तो 16 रख देते, फिर 16/ हो जाता। इस तरह से आपको मैंने बता दिया कि किसी भी एक एटम का, मॉलिक्यूल्स का या आयंस का कैसे मास निकाला जाता है, बस उसमें अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, इसको बोलते हैं अवोगाड्रो संख्या। अब आप बोलिए कि ये तो आपने एक कार्बन एटम का द्रव्यमान या मास निकाला, लेकिन आपने मुझे बताया कि अब इसका 1/12 हिस्सा भी करना होगा, इसका 1/12 हिस्सा भी करना होगा। तो इसका 1/12 हिस्सा करेंगे तो क्या होगा खेल, देखिए इसका 1/12 हिस्सा जब आप कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहां तक आप उतार लीजिए, ये जो टॉपिक था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया कि एक कार्बन एटम का मास होगा ये आपका 12/6.022 इंटू 10^23। तो ठीक है,
अब भाई सवाल आता है कि आप बताइए कि एक AMU कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसको आपने उतार लिया होगा तो आगे चलेंगे। एक AMU का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, एक AMU का मान ज्ञात करने का डिफिनेशन से ही मैंने आपको बताया था कि कार्बन 12 एटम का जो मास होगा, कार्बन 12 एटम का मास अभी आपने निकाला, द्रव्यमान आपने निकाला, उसका 1/12 हिस्सा कर देना है, यानी कि 12/6.022 × 10²³ आया, इतना ग्राम आया। तो अब आपको निकालना है, एक AMU का मान निकालना है। तो इसलिए एक AMU क्या होता है, AMU या U भी इसको बोल सकते हैं, तो इसको आप कन्फ्यूजन में ना लें। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं 1/12 किसका, तो कार्बन 12 के मास के या द्रव्यमान के। तो ठीक है भाई, यह है मास, उसका 1/12 कर देते हैं। तो लिखेंगे 1/12 गुना ये वाला कर देते हैं, 12/6.022 × 10²। अब कितना लेवल है कि इसको काट दिए, अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा। तो अब इसको जब काटिएगा तो अब जो वैल्यू आपको मिलेगा तो उसी को बोलते हैं हम लोग एक AMU। क्या बोलते हैं? एक AMU। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात को एकदम ध्यान से समझिएगा। एक एटॉमिक मास यूनिट इसे को ही बोलते हैं, जो कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान यहाँ पे आया, उसका 1/12 भाग जब हमने निकाला 1/12 से गुना करके, तो जो भी मिला उसी का नाम है एक AMU। आप बोलिए कि तो ठीक है, इसका वैल्यू बताओ ना मुझे कैलकुलेट करके। तो याद रखिएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा पूरी तरह से, फाइनल कैलकुलेशन आप जब इसका कीजिएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा उसको मैं अभी तुरंत बता रहा हूं, लेकिन आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। आप इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके या किसी तरह से। इसी का नाम है एक AMU या एक U, मेरे दोस्त। याद रखिएगा, कार्बन 12 का जो मास था उसका 1/12 हिस्सा को बोलते हैं एक AMU। तो अगर आप इसको नोट कर लिए होंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसका आखिर वैल्यू आता कितना है। तो देखिए, आप जो अभी कैलकुलेट किए वैल्यू, वो आएगा आपका, देखिएगा कितना, यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, वो आएगा आपका एक AMU बराबर 1.66056 × 10²⁻²⁴ हो गया। यार ये तो ब्रैकेट में लिखा गया, 10²⁻²⁴ ग्राम आपका इतना आ जाएगा। एक AMU का मान यही आता है, याद रखिएगा। अब ये कैसे आया, कहाँ से आया, मैंने आपको प्रूफ करके बताया, मैंने इसको डिराइव करके बताया। तो एक कॉन्सेप्ट और जानिएगा कि AMU का जो एक और प्यारा सा नाम है, डाल्टन भी नाम है इसका, या इसका नाम है स्पेसिफाइड एटॉमिक यूनिट मास, जिसको U से डिनोट करते हैं। तो कभी कभी आपको कन्फ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा कि AMU और U और डाल्टन क्या एक ही चीज़ है, तो आपको बोलना है यस, ये तीनों का तीनों एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है। आपको कन्फ्यूजन में जाने का ज़रूरत नहीं है, आपको पागल होने का ज़रूरत नहीं है। तो एक AMU का मान तो अब हमने निकाल दिया। अब आप सवाल उठाइए कि इसका क्या इज्जत है यार, इसका क्या मार्केट में मतलब वैल्यू है, क्यों बार बार इसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। एक AMU का मान अगर न जाने, इसके बारे में न जाने, तो हमें क्या दिक्कत है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, और अभी का अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका क्या यूज होता है। चलिए, यानी कि आज के बाद आप जब भी बात कीजिएगा AMU का, तो वहाँ पे एक पॉइंट केवल आप याद रखिए कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपको परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास निकालना है, तो याद रखिएगा आप AMU का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। इस बात को एकदम माइंड में बैठा लीजिए आप। अगर आप AMU का प्रयोग करके कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एटॉमिक मास सबका इसी के माध्यम से निकलता है। तो आप बोलिए कि कैसे निकलेगा भाई, AMU के बिना तो एटॉमिक मास हमने कई दिन से रटते आ रहे हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल से देख देख करके। लेकिन याद रखिएगा, सारा का सारा एटॉमिक मास निकाला जाता है AMU के सहायता से ही निकाला जाता है। जैसे आप बोलिए कि एक दो एग्जांपल लेकर के बता दो मुझे, ये तो खैर हम जानते ही हैं, तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। हाइड्रोजन का मान लीजिए एटॉमिक मास निकालना हमको, तो देखिए आपको इसमें एक फार्मूला याद रखना है। आप इसके माध्यम से किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोजन का निकाल के दिखाते हैं आपको, तो इसका एटॉमिक मास होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हिंदी वालों आप टेंशन ना लीजिए, इसका होता है परमाणु द्रव्यमान, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग भाई। तो ये होता है एक हाइड्रोजन एटम का मास, एक हाइड्रोजन एटम का मास, और बटा में होता है एक AMU वाला मास। मतलब किसी भी एटम का अगर
परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास निकालना है, तो उसके एक एटम के मास में एक एमयू से भाग दे दीजिए आप, उसका एटॉमिक मास आसानी से निकल जाएगा। तो अब आप ये बोलिए कि एक हाइड्रोजन का मास अब कहाँ से आएगा भाई, तो इसको भी एवोगाड्रोज नंबर से आप निकाल सकते हैं। जो मैंने शुरुआत में कॉन्सेप्ट बताया जिस तरह से एक कार्बन का निकाले थे, उसी तरह से अगर आप एक हाइड्रोजन का निकालिएगा तो उसका वैल्यू आएगा 1.67 36 इंटू 10^-24 आएगा, और इसको आप एक एमयू से जब भाग दीजिएगा तो याद रखिएगा आपको वही वैल्यू मिलता है लगभग 1.008 यू, या इसको कितना ले बोलता है 1.008 AMU। हाँ तो ये क्या आया मेरा, यही तो है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। आप बोलिए कि यार ये तो बड़ा काम का चीज़ निकला AMU, क्लास 11th का केमिस्ट्री में और क्लास 12th का फिजिक्स में इसका बड़ा भयानक यूज है, और आप इस कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से समझिएगा। AMU को ज़्यादा टफ मान के ना चलें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो मैंने इस तरह से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालने आपको बता दिया, ऐसे ही निकाला जाता है। यहाँ अगर ये कोई और होता, मान लीजिए कि एल्युमिनियम होता, तो एक एल्युमिनियम का मास बटा में एक एमयू, मैंने एक एमयू से भाग दे दे करके ही सबका एटॉमिक मास निकाला गया है जितने भी एलिमेंट हैं। अब आप बोलिए कि ठीक है मैं तो इसको उतार लेता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आप बोलिए कि अब मुझे तुम बताओ ना कि एक और एग्जाम्पल बता दो, तो चलिए आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं। अब की बताते हैं ऑक्सीजन का, याद रखिएगा आपको इस बार बताएंगे ऑक्सीजन का। यहाँ देखिए हेडिंग भी ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास ज्ञात करें, ठीक है भाई बताते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का बताएंगे वो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमको लिखना है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, बोले तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान हिंदी वालों के लिए है, इसका क्या होगा, तो एक ऑक्सीजन परमाणु का मास और बटा में एक एमयू का मास। तो आप बोलिए कि क्या एमयू से डिवाइड करके ही निकाला जाता है, तो इसका आंसर है यस। तो एक ऑक्सीजन का जब आप मास कैलकुलेट कीजिएगा, इसको ऑक्सीजन समझिएगा, तो इसका मास आप कैलकुलेट कीजिएगा एवोगाड्रो नंबर का यूज करके, तो ये आता है 2.657 × 10^-23, और एक एमयू का आता है 1.66 × 10^-24, और इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो लगभग ये आता है 16 यूनिट, या इसको बोलिए 16 AMU, यहीं से आता है ये बात याद रखिएगा। और आपको पता है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ही होता है। तो एकदम कन्फर्म इस बात को आप एकदम ध्यान से समझिएगा कि कैसे एटॉमिक मास मैं किसी भी एटम का निकाल दे रहा हूँ, उस एटम एक एटम का मास बटा में एक एमयू से भाग देते जाइए, आप जितने भी एलिमेंट है सबका मास कैलकुलेट कर सकते हैं आप। कितना आसान है ये कॉन्सेप्ट, और कितना लोग इसमें ग्राम लगा देता है, कितना लोग इसमें ग्राम पर मोल लगा देता है, यार वो अलग चीज़ हो गया, वो आप ग्राम पर मोल मत लगाइएगा। इसका जो एटॉमिक मास है उसका यूनिट या तो यू में आएगा या तो एएमयू में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस वर्ड से कंफ्यूज होते हैं कि 16 यू लिखें, 16 एएमयू लिखें, 16 ग्राम लिखें, 16 ग्राम पर मोल लिखें, आखिर ये सब चलता क्या है मार्केट में, ये बड़ा कन्फ्यूजन का वर्ड है। तो इस बात को आप एकदम कन्फर्म याद रखिएगा कि ये दोनों जो है सेम चीज़ है, और ये है परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास। तब आप बोलिए कि तो फिर ये क्या चीज़ है, तो इसको मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, इसको लेकर के आप टेंशन ना लें, लेकिन अभी आप ये दोनों वर्ड को क्लियर कीजिए, और आप यहाँ देखिए कि आखिर किस तरह से किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान निकाला जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ AMU, एटॉमिक मास यूनिट, हिंदी में बोले तो परमाणु द्रव्यमान इकाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि AMU का मतलब और साथ ही साथ इसका असली यूज क्या है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, और अगले वीडियो से हम लोग बढ़ेंगे अपने एडवांस टॉपिक की ओर, और धीरे धीरे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे आपके सारे डाउट को क्लियर करते हुए। लेकिन अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।